तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, आज हमने मंगवाया है एयरपॉड बोट का एयरपॉड है। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या नाकामियां हैं। हम इसको एक सप्ताह तक चला चुके हैं। एक सप्ताह तक चलाने के बाद क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें थी, क्या क्या ख़राब निकली, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रोडक्ट का रिव्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से कुरियर आया था, ये ईकार्ट डिलीवर किया है। तो भाई साहब देख सकते हैं, ये एयरपॉड 131 है बोट का, जो कि हमने मंगवाया है। इसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये का, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग प्राइस आता है, लेकिन हमको कुछ कूपन्स और डिस्काउंट के साथ हमको 849 रुपये में पड़ गया। तो एक अच्छा डील रहा दोस्तों, क्योंकि 849 रुपये में नॉर्मली आपको बिना सेल के नहीं मिलने वाला है। तो इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है फ्लिपकार्ट पे, 14.5 लाख के आसपास रिव्यू है इसका, और एक अच्छा रिव्यू है इसका। तो यही सोच के हम भी मंगवाया कि ये अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। बोट का ये एयरपॉड 131 है, जो कि एक वायरलेस ईयरबड है। इसके बारे में कंप्लेंट कंपनी क्लेम करती है कि 60 आवर्स का ये बैकअप देगा और एक चार्ज में 8 आवर्स का बैकअप देता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो ड्राइवर लगा हुआ है ये 13 mm का ड्राइवर है, जो कि एक अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ इसमें IWP टेक्नोलॉजी है, जो कि पेयरिंग में बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी माना जाता है, इससे पेयरिंग में बहुत मदद होती है। टोटल प्लेबैक आवर्स, जो कि मैंने पहले ही बताया, 60 आवर्स का प्लेबैक आवर्स है। और ये पूरी तरह से बोट जो है दोस्तों, ये पूरी तरह से मेड इन इंडियन ब्रांड है, और ये जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया बाई एन इंडियन ब्रांड, ये इसका लोगो में लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, और पीछे का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसमें ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5.1 है, और टाइप सी इंटरफेस दिया गया है चार्जिंग के लिए। और इसका डिजाइन थोड़ा इर्गोनॉमिक, मतलब अच्छा डिजाइन एक तरह से कहा जा सकता है। ये बोट ब्रांड का वायरलेस ईयरफोन है। इसमें जो आपको मिलेगा एक ईयरफोन केबल और कुछ ब्रोचर्स वगैरह, इसके यूजर मैनुअल्स और कुछ स्टिकर्स मिलेंगे। इसका आप डायमेंशन भी देख सकते हैं दोस्तों। इसका कंटेंट आप देखें तो एक पेयर ऑफ ईयरबड है, एक चार्जिंग केस है जो कि बॉक्स जिसमें कि ईयरबड्स रखा हुआ होगा, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक कैटलॉग और एक फैक्ट कार्ड, जिसमें कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कार्ड, मीन्स उसमें जो जो नॉर्मली लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका एक कार्ड है। जैसे पेयरिंग कैसे करें, ये कैसे करें, वो प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करें, तो वो सब नॉर्मली आपको इसमें मिलेगा। एक कार्ड मिलेगा, उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। एक आपको चार्जिंग सी टाइप का चार्जिंग केबल मिलेगा, और इसके अलावा आपको मिलेगा कुछ स्टिकर्स, बोट का पर्सनलाइज्ड स्टिकर्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका मार्केटेड बाई मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन सा फॉर कंज्यूमर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर एकदम लेटेस्ट, यानी अप्रैल 2023 का है। हम लोग यह वीडियो जून के लास्ट में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो रिटेल प्राइस दिया गया है 3000 के अप्रॉक्समेट, 2990 है। MRP को देखते हुए हम लोग का जो प्रोडक्ट है काफ़ी सस्ते में, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट के चार्जिंग में 90 मिनट का बैकअप मिलेगा। तो कंपनी कुल मिला के बैटरी का एक बहुत ही अच्छा क्लेम करती है, बैटरी का बैकअप बहुत ही अच्छा क्लेम करती है, और साउंड क्वालिटी 13 mm का ड्राइवर है तो अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक कंपनी क्लेम करती है, एक इमेंस साउंड, बहुत ही प्लेजर साउंड और बास वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंगल प्रेस से आप गूगल का भी और सीरी का भी वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब इनर स्पेसिफिकेशन, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन जो हमारा ईयरबड से, हम उसको खोल के देखते हैं क्या क्या मिला, कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स और सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर एक बॉक्स मिलेगा आपको। इस बॉक्स में भाई साहब ये देखिए, हमारा बोट का एयरपॉड है, जो कि कुछ इस तरह के केस में आया है। ये बिल्कुल एक पाइथन कलर में था, तो मैंने इसी कलर में मंगवाया है। तो ये ग्रीन, इमेरल्ड ग्रीन कलर का ये बॉक्स है। इसके अंदर जो ईयरबड्स है वो भी इमेरल्ड ग्रीन के हैं, काफ़ी अच्छे। चलिए इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले जो और सारे एसेसरीज या कंपोनेंट दिए गए उसके बारे में देखते हैं। तो ये एक छोटा सा बॉक्स मिला है, एक्स्ट्रा बॉक्स मिला है दोस्तों। इस बॉक्स में आपको डाटा केबल होना चाहिए, चार्जिंग केबल यहाँ पे होना चाहिए। तो हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग केबल दिया गया है, इससे आप चार्ज कर सकते हैं। अगला यूनिट है ये, देख सकते, पर्सनलाइज स्टिकर्स देता है बोटेड का। थैंक यू कार्ड रहा, फैक्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं। फैक्ट मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं
ईयरबड में क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में यूजर मैनुअल हुआ, जो मेन हमारा यूजर मैनुअल कैसे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और इसको कैसे कैसे यूज करना है, डाटा फैक्ट्री रीसेट वगैरह सब कैसे कैसे करेंगे। और ये आपका मिलता है वारंटी कार्ड, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी, 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, मतलब इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, टूटना फूटना पानी लगना इन सब को छोड़ के अगर किसी तरह का क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं वारंटी। वारंटी का बोट का सर्विस सेंटर है, आप वहां जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका जो हमारा जो बोट का जो एसेसरीज है जैसे हमारा एयरपॉड है इसको ठीक किया जाएगा बिना किसी प्राइस के। तो चलिए दोस्तों इन सबों को साइड करते हैं क्योंकि हम लोग इन सब के थ्रू जा चुके हैं। तो आते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट में जो कि हमारा बोट का एयरपॉड्स है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना लाजवाब लुक है, ये बहुत ही देखने में काफ़ी अच्छा और एकदम कम्पैक्ट साइज में। चार्जिंग के लिए आपको नीचे पोर्ट मिलता है जो कि टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया है। और ये एक बहुत ही अच्छे कलर में, ये 2-3-4 कलर्स में आते हैं और इसके अलावा कुछ स्पेशल वेरिएंट्स भी है, तो आप उसमें से वाइट रेड ब्लैक किसी भी तरह का चूज कर सकते हैं, ब्लू भी आता है। और यहाँ पे आपको 3 लाइट्स मिलते हैं जो कि बैटरी के स्टेटस बताते हैं कि बैटरी कितना चार्ज है, अगर 3 जला है तो फुल चार्ज हुआ, 2 जला है तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा चार्ज हुआ, आप 33 के में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 एयरपॉड्स मिलते हैं इसके अंदर, आप तो इसका ऑन हो जाएगा और आप किसी भी डिवाइस से आप इसका ब्लूटूथ विजुअल कर पाएंगे। उसके बाद आप पेयर करके नॉर्मली पेयरिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक स्विच दिए गए हैं हर एक में, ये देख सकते हैं टिक स्विच है, आप देख सकते हैं आवाज़ करीब ला के हम जब दबा रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है, तो ये टिक साउंड करता है, ये एक्चुअली पुट स्विच है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कॉल को उठाने में या फिर अगर रेगुलर दबाए रहे तो आप गूगल असिस्टेंट या सीरी असिस्टेंट ऑन कर सकते हैं, तो नॉर्मली या फिर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पॉज प्ले वगैरह के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये स्विच दिए गए हैं। ये टच बटन नहीं है दोस्तों, ये टिक बटन है, इसको जब तक आप दबाएंगे नहीं इस पर कोई असर नहीं होगा। तो ये एक तरह का एडवांटेज है क्योंकि होता क्या है लोगों के पास जो एडवांस ईयरबड्स आने लगे हैं उसमें बस हाथ फिरता है या फिर किसी तरह से आदमी कान के पास हाथ लेके गया लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि आवाज़ बंद हो गया, धीरे हो गया, गाना बदल गया, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन इसके केस में ये एक तरह का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दिखने में उतना क्लासी लुक नहीं लगता है, ये नॉर्मल हो गया कि ठीक है इसमें बटन्स है इसमें फीचर्स है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान गए। ये नीचे दोनों चार्जिंग के लिए कनेक्टर्स पिंस दिए गए हैं, जैसे ही आप इसमें डालेंगे इसका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होगा आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तभी ये चार्जिंग स्टार्ट होगा और इसका लाइट जलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों जो भी इसका स्पेसिफिकेशन था उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या प्रॉस और क्या क्या कॉन्स है इसमें, क्या क्या अच्छी चीज़ें इसमें दिखी हमको और क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम्स रहे। तो सबसे पहले अगर हम बॉक्स से ही शुरू करें तो आपको बता दें दोस्तों इस बॉक्स में ही पहला प्रॉब्लम हमको दिखा, वो आप भी देख सकते हैं कि जैसे लाइट जो है वो करेंटली 3 जलना चाहिए, जैसे अगर 3 चार्ज है तो 3, अगर कम चार्ज है तो ये दोनों लगातार, लेकिन कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि ये लाइट जल रहा है ये नहीं जल रहा, कभी ये जलेगा ये नहीं जलेगा। तो लाइट का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, चार्जिंग पूल रहे चार्जिंग आधा रहे, जो इसका शो करने का जो तरीका है जो डिस्प्ले करता है लाइट के थ्रू ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसमें कभी कभी आदमी कन्फ्यूज भी हो जाएगा कि ये दूसरा लाइट जल रहा है तीसरा लाइट जल रहा है तो इसमें क्या करना है, पहला लाइट जल रहा लास्ट लाइट जल रहा तो बीच में नहीं जल रहा तो उसमें क्या करना है, फुल चार्ज है नहीं चार्ज है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। बाकी जो इसका मैग्नेटिक शटर है वो ठीक ठाक ही है, ये काम लायक है, इतना से काम हो जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होने वाला इसमें। और चार्जिंग का जो पोर्ट है टाइप सी है, लोग जो नॉर्मली जो अब यूज़ करने लगे हैं फ़ोन उसमें टाइप सी ही आता है, तो ये नॉर्मल है, आप फ़ोन के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे चार्जिंग का जो इनपुट होना चाहिए 5V 2A से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इसके बैटरी पावर और चार्जिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है लॉन्ग टाइम में। तो चलिए इसके बारे में जान चुके हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इसका साउंड अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मली अच्छा है, बूस्टर उतना बढ़िया है नहीं, बूफर वगैरह उतना बढ़िया है नहीं। और अगर बात करें इसका पेयरिंग का तो पेयरिंग तो फास्ट है, पेयरिंग कनेक्ट हो जाता है आसानी से, पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती,
लेकिन प्रॉब्लम आता है इसके रेंज में, क्योंकि जब आप फोन को पॉकेट में रख के इसको जब ईयरफोन जब ईयरबड्स जब आपने कान में लगाएंगे और किसी तरह का मूवमेंट होगा पॉकेट का, तो कभी कभी ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में डिसकनेक्ट होना कनेक्ट होना वैसे में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेयरिंग में एक प्रॉब्लम हमको दिखा। दूसरा प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन का। कभी कभी आपको क्या लगेगा दोस्तों कि इसमें बज रहा है आगे, इसमें बज रहा है पीछे, तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। बाकी अगर बैटरी का बात करें तो बैटरी का बैकअप नॉर्मल है, जितना कंपनी क्लेम करती है उतना नहीं है, लेकिन 45 टू 50 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मली नॉर्मल रेंज में, इस मीडियम रेंज में ये ईयरबड्स तो अच्छे हैं, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन और पेयरिंग तो अच्छा है, सिंक्रोनाइजेशन और जो रेंज का जो मामला है उसके कारण इसका जो रेटिंग है मेरे ख्याल से बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये भी केस हो सकता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वो डिफेक्टिव हो सकता है। हमने इसके रिप्लेसमेंट के लिए भी रेज किया है, मैं उसके कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है, नॉर्मली अगर रेंज और सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इस केस में ये ईयरबड्स किसी भी तरीके से अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, कितना भी अच्छा साउंड आ रहा हो, लेकिन एक तरफ से लड़का बोल रहा है, एक तरफ से लड़की बोल रही है, तो ऐसे में गाने का कोई मज़ा नहीं रहेगा। आवाज़ बाद में आ रहा है, कुछ साउंड पहले आ जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें अच्छा नहीं। और अगर पॉकेट में रखे या थोड़ा सा इस रूम में रख के उस रूम में सुनने लगे सॉन्ग को, तो उस केस में अगर कट जाता है या डिसकनेक्ट हो जाता है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है। अगर आप बात कर रहे हैं तो उस केस में स्पीकर पे चला जाएगा फ़ोन, तो इसमें ये प्राइवेसी का भी इशू हो सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर ये सब इश्यूज को कंसिडर किया जाए, तो ये प्रोडक्ट नॉट टू बाय। इस प्रोडक्ट को खरीदना एक तरह से मुफ्त, आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हम उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे एक एक करके, और उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर आप खरीदते हैं दोस्तों, अगर आपने खरीद लिया या फिर आप भी रिव्यू के अनुसार खरीदने जा रहे हैं, जैसे हमने भी बहुत सारा रिव्यू देख के खरीद लिया, तो खरीदने के बाद जब आउट ऑफ बॉक्स डिलीवरी करता है, जब बॉक्स डिलीवर करता है, तो खोल के उसी समय चेक कर ले कुछ चीज़ों को, जैसे बात करने में आवाज ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सब चीजों को चेक कर ले। हालांकि पता नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, वो रिटर्न नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट का ही इसमें ऑप्शन है। तो बहुत सोच समझ के इस प्रोडक्ट को खरीदे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कुछ नए टेक्निकल थिंग्स के साथ। थैंक यू।